किसकी सरकार चाहिए, मामा की कमलनाथ की? कमलनाथ की, यस। मामा से क्या शिकायत है? मामा से ये शिकायत है क्योंकि हम नर्सिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगा कि 5 सालों में कुछ फ़ायदा ही हुआ है। इवन सब लॉस में ही जा रहे हैं और नॉर्मल जो आम जनता है उसका तो बहुत लॉस हुआ है। मतलब गरीबों का तो ठीक है बट जो बीच वाला इंसान है वो पिसके रह गया, बीच में रह गया, एकदम पिसी गया दोनों के बीच में। तो मामा जी भी गोलगप्पे वाले वादे कर रहे हैं क्या? हाँ ऐसे ही वादे हैं बस, थोड़े वो चुनाव टाइम तक ही रहते हैं तो गोलगप्पे में ज़्यादा देर तक पानी रह जाता है तो गोलगप्पे फूट जाते हैं ना, वही वाले हाल है क्योंकि सिर्फ चुनाव के टाइम तक ही वादे रहते हैं और फिर वो वादे पूरे नहीं होते, उनका काम निकला बात खत्म हो जाती है। मामा जी गोलगप्पे वाले वादे करते हैं? हाँ गोलगप्पे जैसी बातें हैं मामा जी की। और क्या, वो तो कहते हैं बहनों के लिए बहुत कुछ किया है। पता नहीं, ऐसा भाई हूँ याद आऊंगा अगर चला गया तो। पता नहीं, हमको तो लगता है हम सौतेली बहन हैं क्योंकि हमारे लिए तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ किया है। क्या कमी रहेगी मामा जी के प्यार में? कमियां तो बहुत, मामा से भैया बन गए खैर वो। हाँ हमारे तो भैया हैं। तो देखो जैसे हम जॉब करते हैं तो हमको नहीं लगता कि हमारे कोई बेनिफिट है, हमें नहीं लगता हमारे लिए, दूसरों के लिए किए होंगे बट हमको सैलरी वगैरह कम है क्या आप लोगों? हाँ हमारी सैलरी कम है, हम लोगों ने अभी एक स्ट्राइक की थी तो इवन हमारी स्ट्राइक की वजह से हमारे इंक्रीमेंट ये सब रोक दिए गए, हमें सेकंड ग्रेड चाहिए था। मतलब तो बाकी लोगों ने स्ट्राइक किया उन्हें उनका बेनिफिट मिला पर हमको उसकी सज़ा मिली है तो हमें नहीं लगा। और हम लोग बहुत दूर रहते, हमारे ट्रांसफ़र भी नहीं होते हमारे विभाग में, तो हम लोगों ने कोविड के टाइम योद्धा जैसे काम किया, अपनी फैमिली सबको छोड़ के। हम जैसे मैं बालाघाट की, मैं बहुत दूर की हूँ तो हम लोगों ने सब चीज़ छोड़ के सिर्फ अपने देश को सबको समर्पण किया। पर जब हमारा टाइम आया हमने मांगे कि हमारे लिए हमारी फैमिली के लिए, तो उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा, बस उस समय हमको बस योद्धा का एक नाम दे दिया कि आप योद्धा है योद्धा है, बट योद्धा ने जब कुछ मांगा तो उसको उन्होंने कुछ नहीं किया। इवन हमको मोदी जी ने तो ताली थाली भिजवाई थी आप लोगों के लिए, फायदा नहीं मिला। हुआ ताली से हमें कोई फायदा नहीं होना, जब हमने अपने फायदे के लिए खुद से कोई डिमांड रखी तब तो उसको उसका हमको कुछ बेनिफिट नहीं मिला। ताली थाली भिजवाई, पुष्प वर्षा कराई कोरोना योद्धाओं पे, ठीक है वो सम्मान दिया हमें भी बहुत अच्छा लगा, बट ये कि हमको और कुछ भी चाहिए था ना, वो तो नहीं मिला, उसकी सजा मिल गई। आप कॉन्ट्रैक्ट पे या पक्के? नहीं मैं परमानेंट हूँ और हम लोगों ने बहुत उस टाइम किया, मुझे खुद भी कोविड हो गया था और सब ट्रेन बस सब बंद थी, मैं कैसे अपने घर पहुँची और कैसे मैंने क्या किया मैं जानती हूँ। और इतना हमने ये करने के बाद भी जब अगर हमने खुद के लिए सोचा और वो नहीं हुआ तो थोड़ा सा वो होता है ना, वो चीज़ें चुभती हैं कि हमने किसी के लिए किया और हमको बदले में कुछ नहीं मिला, बस वही है। सम्मान से काम नहीं चला? नहीं चला, इवन हमें उसका पनिशमेंट मिल गया है कि हमारे इंक्रीमेंट्स वगैरह रोक दिए हैं, अब पता नहीं।